फेसबुक पर ब्लॉग कैसे बनाएं? फ्रेंड्स, फेसबुक पर बहुत से लोग ब्लॉग बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बनाते हैं तो क्या दिक्कत होती है कि कॉपीराइट आ जाता है या फिर उनका ब्लॉग चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता है, आज वही बताने वाला है कि आपको फेसबुक पर ब्लॉग कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, और उस ब्लॉग को आप यूट्यूब पर भी अपलोड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों जगह से, एक वीडियो से दो जगह से पैसा कमाओगे। अगर मोनिटाइज हो जाता है, कंप्लीट कर लेते हो सारा क्राइटेरिया, तो आप दोनों जगह से पैसा कमाओगे एक ही मेहनत से। तो बनाना कैसे है फेसबुक पर ब्लॉग वीडियो, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आसान तरीके से। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप लोग ब्लॉग से रिलेटेड नए नए आइडिया देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी नए नए आइडिया है और नया नया आइडिया लाता भी रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक एक करके आसान तरीके से कि कैसे फेसबुक पर ब्लॉग वीडियो बनाना है, ताकि आपका ब्लॉग जो है ना चले और कॉपीराइट स्ट्राइक जो है ना ना आए, कोई भी दिक्कत ना हो और आपका फेसबुक मोनिटाइज यानी फेसबुक जो होता ना पेज मोनिटाइज हो जाए, आप पैसा भी कमा सकें। सबसे पहले तो फेसबुक पर फेसबुक पेज बनाना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लेना। फेसबुक पेज बनाना सीख जाओगे आसान तरीके से। उसके बाद फ्रेंड बात आती है कि ब्लॉग बनाना। अब फेसबुक पर हम किस तरीके से ब्लॉग, देखो भाई फेसबुक जो है ना, अगर हम यूट्यूब की तरह ब्लॉग बनाएंगे कि हेलो दोस्तों मेरा नाम ये है, अभी मैं यहाँ आया हूँ, अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, ये दिखाऊँगा वो दिखाऊँगा, तो भाई फेसबुक पर वो चीज़ नहीं चलने वाली है, चलेगी बहुत कम चलेगी, कोई देखना उतना पसंद नहीं करेगा। फेसबुक पर किस टाइप का ब्लॉग चलता है, जो फेसबुक पर बताने वाला हूँ ना वो यूट्यूब पे भी डालेंगे तो यूट्यूब पे भी वो तगड़ा चलेगा, लेकिन यूट्यूब पे जो ब्लॉग डालते हैं कि हेलो दोस्तों मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से हूँ, देखिए मेरा गांव, अभी मैं जाने वाला हूँ मार्केट, अभी मैं ये करने वाला हूँ, तो फेसबुक पे नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो बहुत कम चलेगा। अब बनाना क्या है भाई, तब भाई आपको बनाना क्या है वही तो बताने वाला हूँ, तो चलो बताते हैं ना। सबसे पहले तो आपको देखो इस ब्लॉग में यानी फेसबुक के लिए जो ब्लॉग बनाएंगे, इसके लिए फ्रेंड्स आपको ये नहीं कि मैं ये हूँ वो, ये सारा चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आपको ब्लॉग तब कैसे बनेगा भाई, आप ये वो नहीं करेंगे तो कैसे ब्लॉग बनेगा भाई, आपका ब्लॉग भी बनेगा और पैसा भी कमाएंगे और आपका ब्लॉग जो है चलेगा भी। कैसे बनेगा बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको ब्लॉग बनाने के लिए आपको देखना है कि भाई जो फेसबुक पे है ना लोग क्या देख रहे हैं, फेसबुक पे किस टाइप की ब्लॉग देख रहे हैं, नहीं पता है ना, हम ही बताते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाते होंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मतलब बहुत सारे जगह आपको ये देखने को मिलता होगा कि कहीं पे झालमुरी है, कहीं पे कुछ पकौड़ा है, कहीं पे कुछ खाने वाला स्ट्रीट फूड है, तो लोग क्या करते हैं उसका वीडियो शूट करते हैं, बिना बोले भी शूट कर लेते हैं और बोल के भी शूट कर लेते हैं, तो दोनों तरीका से वो शूट कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं उसको वीडियो बनाते हैं और फेसबुक पे भी डाल देते हैं, यूट्यूब पे भी डाल देते हैं और चलने लगता है। तो भाई आपको भी कुछ इसी तरीके से ब्लॉग बनाना है, ज़रूरी नहीं है कि आप झालमुरी का ही और स्ट्रीट फूड का ही ब्लॉग बनाओ, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप इस टाइप की भी ब्लॉग फेसबुक पर बना सकते हो, क्योंकि ये वाला जो है ना फ्रेंड्स झालमुरी या फिर और भी बहुत खाने से रिलेटेड फूड वाला जो ब्लॉग होता है ना फेसबुक पर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, देखते भी हैं और चलता भी है, मिलियंस में व्यूज आते हैं फेसबुक पर, ठीक है। तो इस टाइप की भी ब्लॉग आप फेसबुक पे बना सकते हो, चलेगा, और उसको आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हो। अब ये दोनों तरीका से बना सकते हो, बोल के भी बना सकते हो या फिर बिना बोले बना सकते हो, ठीक है, दोनों तरीका से चलेगा। अगर बिना बोले बना रहे हो तो बस आपकी बैकग्राउंड यानी जो साउंड वो आ रही है वो साउंड रहना चाहिए, उसमें म्यूजिक मत लगाना भाई, कोई भी म्यूजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है फेसबुक पर। अगर आप बना रहे हो तो म्यूजिक मत लगाओ, बिना म्यूजिक का ही यूज करो, चलेगा आप लोग, ठीक है। और वैसे ही आप नॉर्मल यूट्यूब पे भी डाल दो वो भी चलेगा, तो इस तरीके से भी बना सकते हो। या फिर आप फेसबुक पर आप जैसे कि मान लो कोई फैक्ट्री है, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसकी भी वीडियो बना सकते हो, या कोई कुछ बनाने वाला है, कोई मेकिंग कर रहा है, कोई कुछ बनाता है, कपड़ा कैसे बनता है, या फिर बहुत सारे आइडिया है भाई, यहाँ पे बताने लग जाओ ना तो पूरा दिन के दिन रात के रात ख़त्म हो जाएगी, फिर भी बताने वाला आइडिया जो है वो ख़त्म नहीं होगा, बहुत सारा आइडिया है। अगर मान लो कोई मिट्टी का सामान बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, तो उसका भी ब्लॉग बना सकते हो, ये सारा चीज़ चलता है भाई। अगर कोई मान लो मैकेनिक है तो उसका भी ब्लॉग बना सकते हो, बाइक की रिपेयरिंग करता है, बाइक को मॉडिफाई करता है, उसका भी बना सकते हो। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो कोई टेक्निक अच्छा से कोई कर रहा है काम, तो उसका भी ब्लॉग बना सकते हो, बोल के भी बना सकते हो, बिना बोले भी, दोनों तरीका से फेसबुक पे चलता है भाई,
समझ में बात आ रही ना, दोनों तरीका से फेसबुक पे चलता है। बोल के बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, फेसबुक पे चलता है, दबा के चलता है और दबा के लोग कमा भी रहे हैं। हमारे इधर के बहुत सारे फेसबुक पे जो काम कर रहे हैं ना भाई, वो दबा के पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फेसबुक पे किस टाइप का बनाएं ताकि आप दो जगह से पैसा कमा सकें, यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह से। तो आप वो कर सकते हैं, या फिर अगर कोई गार्डन है उसका बना सकते हैं, या कोई गार्डन में जैसे मान लीजिए कोई खेती कर रहा है तो उसका ब्लॉग बना सकते हैं, किस तरीके से करता है, क्या कर रहा है, कैसे फसल होती है, सारा चीज़ें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं। या कोई फैक्ट्री में जाए, कोई कॉपी बन रहा है तो उसका कॉपी कैसे बनता है, या कोई गिलास है गिलास कैसे बनता है, या कोई रास्ता है रास्ता बनाते समय किस किस तरीके से बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। बता तो रहा हूँ कि अगर मैं बताने लग जाऊँ तो बहुत सारा मतलब बहुत दिन लग जाएगा भाई और आइडिया ख़त्म नहीं हो, क्योंकि आइडिया हमेशा आती रहती है ना भाई, आइडिया ख़त्म नहीं होती, आइडिया आती रहती है। तो आप बहुत चीज़ बना सकते हो। अगर कोई मार्केट में फ़ोन आया, या अगर किसी चीज़ का अनबॉक्सिंग कर रहे हो, अगर कोई चीज़ ख़राब है, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्राफ्टिंग कर सकते हो, या हैक वाला ट्रिक बता सकते हो। जैसे कि हैकिंग होता है ना, हैक में होता क्या है, जैसे छोटे छोटे चीज़ को अगर फालतू चीज़ पड़ी हुई है उसको कुछ काट के बना के उसको यूज में ला सके, उसको हैक करते हैं, तो उस टाइप की भी वीडियो बना सकते हो। क्राफ्टिंग बोला जाता है, उस टाइप की भी बना सकते हो। मतलब ये सब ब्लॉग में आ जाएगा और आराम से आपका ब्लॉग बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब बनाना है भाई, आराम से चलेगा, क्योंकि ये सब जो है ना फेसबुक पे एकदम दबा के चलते, बार बार कह रहा हूँ भाई, दबा के चल रहा है और दबा के पैसा भी लोग फेसबुक से कमा रहे हैं। तो आप यार जो भी आइडिया आपके पास है ना, जो भी आइडिया है ब्लॉग बनाने के लिए, वो बना सकते हो ब्लॉग में। अगर कोई मकान बनाता है सिविल इंजीनियर, उसका भी वीडियो बना सकते हो। बहुत सारी आइडिया है भाई, कितना बताओ, बहुत सारे आइडिया है, इतना तो बता दी, इतना में से आप लोग कुछ तो बनाओ भाई। और भी बहुत सारे तरीका है फेसबुक पे ब्लॉग बनाने का, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों को एक लिस्ट बना के एक एक करके बोल के बता देंगे, ठीक है भाई। तो यही है तरीका भाई, अगर फेसबुक के लिए बना रहे हैं तो उसमें म्यूजिक यूज मत करना, ठीक है। बस साउंड अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, या फिर बिना बोले जो वो कर रहे हैं उनका सीधा सीधा रिकॉर्ड करते रहो, जो बोले हैं कर रहे हैं वो साउंड बस आनी चाहिए, म्यूजिक मत यूज करो। और वही चीज़ आप फेसबुक पे भी अपलोड कर दो, और वो उसी चीज़ को भी आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर दो, एक ही नाम से चैनल बना लो दोनों जगह पे, उस पे पेज बना लो, इस पे चैनल बना लो, और दोनों जगह पे आपका चलेगा। वही चीज़ आप अगर इंस्टा पे शॉर्ट में करके डालते हो तो इंस्टा पे भी चलेगा, अगर वही चीज़ आप हर जगह जो भी शॉर्ट वाले प्लेटफार्म है वहाँ पे डालते हो तो वहाँ पे भी चलेगा। यानी एक वीडियो से आपको पता ना पता है कहाँ कहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं भाई, बहुत जगह से कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को इतना नहीं पता होता है, तो मैं आज बताया हूँ आप लोगों को, शायद आप लोगों को मालूम भी होगा और शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि फेसबुक पे किस टाइप का ब्लॉग बनाना है, कैसे बनाना है, और दो जगह से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। वीडियो पसंद है समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।